हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सेमिया पुलाव। इसके लिए मैंने सेमिया को पानी में डाल के 2 मिनट के लिए खाली बॉईल करके लिया है। तेल डाल के बॉईल किया था, एक ऐसा झन्नी में निकाल लिया है ताकि पूरा पानी निकल जाए। उसके लिए हमें चाहिए शिमला मिर्च, बीन्स, हरी मिर्च, प्याज, कड़ी पत्ता, टमाटर और मटर है, और 2-3 लहसुन की कलियाँ बारीक कट करके लिए। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए डाल दिया था। तेल गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे उसमें लहसुन, मस्टर्ड सीड्स। लहसुन थोड़ा भूनने के बाद हम डालेंगे जीरा, अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, हल्का सा फ्राई करना है प्याज को। अब हम डालते हैं करी लीव्स, 4 हरी मिर्च ली है कटी हुई, आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा मिर्च कर सकते हो। उसको अच्छे से फ्राई करना है तेल में। अब हम डालेंगे बीन्स, शिमला मिर्च, अब 2 मिनट के लिए इन दोनों को फ्राई करके लेना है। 2 मिनट के लिए इनको फ्राई करके लेना है। हम थोड़ी देर बाद डालेंगे टमाटर और मटर, मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं। ये पुलाव बहुत ही बढ़िया बनता है और टेस्ट में तो बहुत ही बढ़िया ही लगता है, लाजवाब है इसका टेस्ट। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। हम इसको हम अच्छे से 2 मिनट के लिए फ्राई करके लेते हैं सब्जी को। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है सब्जी को, थोड़ा क्रंची रहे तो अच्छा रहता है टेस्ट खाने में। अब हम डाल देते हैं टमाटर और मटर। डालने के बाद इसको भी 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करके लेते हैं सब मसालों के साथ। हमने 2 मिनट सब्जियों को अच्छे से फ्राई करके लिए हैं, हम बाद में डालेंगे मसाले। अब हमारे सब्जी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब हम डालते हैं 1/2 चम्मच हल्दी। आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, आप चाहे तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। डालते हैं स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से मिक्स करना है एक बार मसाले को। आप आपसे पसंद का वेजिटेबल डाल सकते हैं। ये सेमिया पुलाव बहुत ही टेस्टी बनता है और फटाफट बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई करना घर में। ये नाश्ते के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब हम डालते हैं पकी हुई सेवई। सेवई सेमिया आप कुछ भी बोल सकते हैं इसका, और अच्छे से मिक्स करना है। देखिए कितना खिली खिली बना है, बहुत ही बढ़िया बनता है, इसका टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया आता है। अब मिक्स करने के बाद हम 2 मिनट के लिए रख देंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।